अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मज़ना शॉकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल से पढ़ा है वी नो हाउ टू फिल इन इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड हाउ टू फिल इन इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स सो इन एग्ज़ैम्पल्स की मदद से हम हमारे उस पूरे कॉन्सेप्ट को री करेंगे सो so, सॉल्व करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू एलिमेंट हैविंग है इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हमें एक ऐसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखनी है जिसमें टोटल इलेवन इलेक्ट्रॉन्स है अगर किसी चीज में इलेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं सो so, उसका यह मतलब हुआ कि उसका अटोमिक नंबर भी इलेवन ही था अब नाम यहाँ गिवन नहीं है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें किसी एलिमेंट के नाम की जरूरत नहीं है इफ़ वी नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन ईजिली रिप्रेजेंट दैम इन शेल्स एंड सब शेल्स लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट एट सेम एनर्जी लेवल उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो सकता है और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल यानी कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल वाला शेल फिल होगा एंड देन इट विल गो टू द हायर जब भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के आप पूछा जाए सो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप शेल्स से स्टार्ट करें जब आप शेल्स को ठीक तरीके से फिल इन कर सकते हैं तो सब शेल्स को फिल इन करना बहुत आसान है एंड एट द एंड आप प्रॉपर वे में एक

वो होंगे के में अब आप सोचेंगे हमें कैसे पता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के में सो so हमने डिस्कस की थी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन अ स्पेसिफिक शेल हम उसे फाइंड करते हैं टू एन स्क्वेर फॉर्मूला से मैं ये सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए लिख रही हूँ इज अ फार्मूला विच इज टू एन स्क्र और इस फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इससे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी of a particular shell to accommodate electrons agar carrying about k shell ki so k shell is the first shell and it can hold maximum two electrons it means 11 electrons 111 electrons हो. only two electrons can be accommodated in k shell so we can say that in k shell there would be two electrons so agar do electron k shell me, to electrons from 11 if you will subtract two you will get 9 यानी कि हमारे पास नाइन इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं प्लेस होंगे सो so, अब हमें मूव करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ जो कि है सेकेंड शेल और उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर एल नाउ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एल इज टू अकोमोडेट एट इलेक्ट्रॉन और हमारे पास बचे थे नाइन इलेक्ट्रॉन्स सो फिर भी चाहे एक इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा क्यों ना हो आपको सेकेंड शेल में सिर्फ और सिर्फ एट इलेक्ट्रॉन्स ही लिखने हैं और अब एट प्लस टू इज इक्वल टू टेन और हमारे पास है टोटल इलेवन इलेक्ट्रॉन तो पीछे बचेगा एक इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए एक नया शेल आएगा विच इज एम शेल और उसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन अगर आप इसे रिप्रेजेंट करें विद अ डायग्राम सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस हम जानते हैं कि इन द दे मिडल देयर इज अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं शेल्स सो so, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सर्कल वुड बी के शेल और हम जानते हैं कि के केशल में होंगे टू इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस इसी तरह इसके आउटवर्ड जब हम काउंट करेंगे तो वी विल गो टू द नेक्स्ट शेल इज एल शेल सो उसके लिए भी ड्रॉ करते हैं वन मोर लाइन. दिस इज गोइंग टू बी योर एल शेल और एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है टू होल्ड एट इलेक्ट्रॉन्स सो लेट्स शो एट इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड अब बचा एक इलेक्ट्रॉन तो वो आएगा इससे भी आउटर शेल में और उसका नाम होगा एम शेल एंड इन एम शेल देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन सो यू कैन रिप्रेजेंट इट एनी वेयर सो ये बनेगी एक स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच वॉज टोटल अब ये तो बात हुई शेल्स की हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप सब शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे सो so चलिए देखते हैं कि सब शेल्स में कैसे आएगा इफ यू टॉक अबाउट सब शेल्स सो हमारे पास चार सब सबसेल्स होते हैं लेकिन सब सबसेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने की एक ट्रिक हम हमारे लेसन में पढ़ चुके हैं हम जानते हैं कि अगर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सब सबशेल से सो so वो होगा फर्स्ट शेल के अंदर विच इज के शेल तो के शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है जो कि है एस सो so, हम लिखेंगे वन एस और चूंकि एस सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है टू होल्ड टू इलेक्ट्रॉन्स सो वी विल राइट टू ओवर हेयर इसे सुपरस्क्रिप्ट भी कहा जाता है और सुपरस्क्रिप्ट शो करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब ये तो हुई बात फर्स्ट शेल की यानी कि के शेल की के शेल में कितने सब हैं हमारे पास एक ही सबशेल है जो कि s सबशेल है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब चलते हैं l शेल की तरफ और l शेल के होते हैं दो सबशेल s और p चूंकि वो सेकेंड शेल है तो हम उसे स्टार्ट करते हैं विद 2 सो आएगा 2s एंड s, s सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है टू होल्ड टू इलेक्ट्रॉन्स सो यू विल राइट 2s2 अब उसके बाद आएगा p चूंकि p स्टार्ट ही हो रहा है दूसरे शेल से सो वी विल स्टार्ट विद 2 टू पी एंड मैक्सिमम कैपेसिटी टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इन पी शेल इज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे होते हैं तीन सब इज एस पी एंड सो सबसे पहले आएगा एस शेल सो वी विल स्टार्ट ओवर हेयर चूंकि एस के साथ ऑलरेडी वन और टू प्रेजेंट है

Written in superscripts, so you will get your answer 11. So it means that your electronic configuration is correct. So this is the electronic configuration that you have to write in one sentence. aap इसे directly भी लिख सकते हैं, लेकिन in the beginning चूंके आपने नई नई electronic configuration सीखी है इस class में, so I'll suggest you के आप इसे proper way में step by step लेके चले ताके answer में किसी किसम की कोई गलती ना हो। सो so, ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन थे और आपको लिखनी थी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब चलते हैं एक डिफरेंट तरह की एग्जांपल की तरफ लुक एट दी स्टेटमेंट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl- आयन Cl- आयन इज क्लोराइड आयन हम जानते हैं कि जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है सो इट टर्न्स इनटू आयन और वो आयन बनता है Na और उसको कहा जाता है क्लोराइड आइन अब जब भी कोई आइन होगा सो इट मीन उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे उसके नॉर्मल एटम से हम आइन की डिस्कशन चैप्टर नंबर वन में ऑलरेडी कर चुके हैं सो so मुझे उम्मीद है कि यहां आपको आइन और एटम के डिफरेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन रिव्यू दैट लेक्चर वंस अगेन सो सी एल माइनस आइन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो वट इज दटोम ऑफ क्लोरीन क्योंकि अगर हमें क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होगा सो so हमें ईजीली पता चल जाएगा कि क्लोरीन के आइन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड वी नो दैट अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. 17 है क्लोरीन का अटोमिक नंबर अब ये तो है नॉर्मल क्लोरीन के एटम atom का एटॉमिक नंबर अब अगर बात करते हैं क्लोराइड आइन की so इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होता है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 हो जाएगा लेकिन आसान तरीका यह कि आप पहले लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन और फिर उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्स एज वी नो दैट शेल्स आर Starting with K, K is the lowest energy. I have explained this in detail mein explain kar chuki So I hope now we can move a little bit quicker. So K shell is the lowest energy shell and it can hold maximum of two electrons. Then comes L shell and its maximum capacity is eight electrons, so we're going to show eight over here. Then M shell, now capacity of M shell according to this formula is 18. But do you think we can show 18 electrons over here? वी हैव ओनली सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल सो अगर टोटल सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स हैं सो एट प्लस टू इज इक्वल टू टेन तो बाकी बचेंगे सेवन इलेक्ट्रॉन्स सो वो सेवन इलेक्ट्रॉन्स शो होंगे एम शेल के अंदर अगर इसे हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे सो सिंपल यू विल हैव समथिंग द मिडल, वेरी टाइनी न्यूक्लियस विच वुड बी होल्डिंग इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देन यू विल स्टार्ट ड्राॅइंग सम सर्कल्स आउटवर्ड्स ऑफ दिस न्यूक्लियस फर्स्ट सर्कल इज के शेल इट मस्ट भी होल्डिंग ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स Then you will draw your second circle and second shell or the L shell can hold 8 electrons. You can draw 8 electrons and third shell would be holding 7 electrons. 7 electrons. So, this is the electronic configuration for chlorine atom. Mark my words. This is for chlorine atom. दिस इज नॉट फॉर क्लोराइड आइन सो अब हम इसी कॉन्फिग्रेशन को शिफ्ट करेंगे फॉर क्लोराइड आइन सो फॉर क्लोराइड आइन वी नो दैट दिस माइनस साइन दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट देर इज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर यहां माइनस टू होता तो उसका यह मतलब होता कि दो इलेक्ट्रॉन गेन हुए सो ओनली माइनस रिप्रेजेंट दैट देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन जो कि गेन हुआ है इसका मतलब अगर मैं इस डायग्राम को लिखूंगी फॉर सी एल माइनस सो आई मोर इलेक्ट्रॉन ओवर हेयर और फॉर सी एल माइनस शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आएगी वो आएगी सेवन प्लस वन विच इज एट यानी कि यहां पे आपके पास एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे लेट्स टॉक अबाउट दी सब शेल्स एज वी नो दैट सबशेल्स आर एस पी डी एफ और हम जानते हैं कि उसकी कॉन्फिगरेशन लिखने का मेथड क्या है सो लेट्स मूव टू दी राइटिंग इन प्रॉपर वे आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर क्लोराइड आइन सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट शेल विच इज़ केशल और केशल के सबशेल लिखेंगे और हम जानते हैं कि केशल का एक ही सब शेल है विच इज वन एस एंड वहाँ आएगा वन एस टू देन यू विल स्टार्ट राइटिंग सबसेल्स फॉर एल शेल वो हैं टू एस और टू पी Why I am writing 2s and 2p together? Because you write both fill in L shell, ke dono sub shell and then you can fill in electrons. S shell ki maximum capacity is 2 electrons ki and P is 6 electrons. Ki. Then we will move to the M shell. And for M, we will start with the 3s. 3s and S ki maximum capacity is 2 electrons. Now, if we are writing for chlorine only. क्लोरीन ऐटम आई कॉल इट एज एटम अगर हम यहाँ एटम की बात कर रहे हैं सो आफ्टर थ्री एस टू एज वी नो दैट इन एम शेल इट कम्स पी और इस पी के साथ होगा थ्री पी और चूंकि हम क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन ऐटम में होते हैं सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग टू प्लस टू इज फोर सिक्स प्लस फोर इज टेन देन वी हैव ट्वेल्व If we will subtract 12 from 17, we have 5 electrons left. So, it means that you will represent 5 electrons over there if you are talking about electronic configuration of chlorine atom. But we have to electronic configuration for chloride ion. So, chloride ion, we know that one electron extra. So, that extra it would be added over here. So, finally, for chloride ion, Electronic configuration would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and one electron would be added in this p subshell, so it would be 3p6, and you can see that its outermost shell is having 8 electrons. सो क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन गेन ही इसलिए करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाए सो so, ये है मेथड लिखने का जब आपको आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर आयन अब हो सकता है आयन कोई टफ आयन भी आए हो सकता है आयन पॉजिटिव आयन आ जाए सो पॉजिटिव आयन के केस में आपको ये देखना है कि पॉजिटिव साइन के साथ क्या नंबर लिखा है अगर टू है तो इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं थ्री है तो मतलब थ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए सो so, जब लूज होंगे तो आप इस स्टेप में उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे दिस इज क्वाइट सिंपल अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट थ्री की तरफ एंड स्टेटमेंट इज एन एलिमेंट हैज फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल अब देखें आपको एक बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसके एम शेल के अंदर हैं फाइव इलेक्ट्रॉन्स एंड यू हैव टू फाइंड इट्स अटोमिक नंबर हमें बताना है उसका अटोमिक नंबर अब अगर किसी चीज के एम शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं सो इट मींस कि उसका के शेल जो के एम से पहले आता है और एल शेल ये भी एम से पहले आता है ये कंप्लीटली फिल्ड और अगर हमने कहा कि ये कंप्लीटली फिल्ड है सो so हमें पता है इन दोनों की मैक्सिमम कैपेसिटी वी नो दैट के कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ एट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑलरेडी टेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के एंड एल शेल यानी के और एल शेल में ऑलरेडी टेन इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि देर आर इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल सो हमें सिर्फ और सिर्फ एड करना है टेन के अंदर फाइव को सो वी विल गेट टोटल फिफ्टीन सो वी कैन से देर आर टोटल देर आर टोटल फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स सो इफ देर आर फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं किसी चीज का अटोमिक नंबर सो वी कैन से अटोमिक नंबर this particular atom is 15. and let me tell you extra information as well, 15 atomic नंबर होता है for यस, yes, जिसका सिंबल है पी और उसका टॉमिक नंबर होगा 15. ये आपको याद हो जाएगा जब आप हमारा थर्ड चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे मुझे उम्मीद है कि इन तीनों एग्जाम्पल्स की मदद से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी चीज के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज एज वेल जो कि आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अलावा आप रेंडमली नंबर्स को चेंज करके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं मेक श्योर यू नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन शेल्स एंड सब शेल्स सो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक विच वॉज एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट वन एग्ज़ाम्पल नंबर टू पॉइंट टू एंड एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट थ्री और ये एग्जाम्पल्स थी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मुझे उम्मीद है कि अगर ये सेम एग्ज़ाम्पल्स या फिर इनकी स्टेटमेंट चेंज होके या फिर किसी भी किस्म का क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा तो आपको उसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अब हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट यूर सेल्फ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह